हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटा, कल हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे थे, तो सिंथेसिस के केवल टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये सिंथेसिस होता क्या है। केवल बस इतना ही जाना है, सिंथेसिस के इंट्रोडक्शन था वो कल, कि ये होता क्या है। मैंने पूरी कोशिश की थी बहुत आराम से चलने की, और मैं आगे भी ये आपसे वादा करता हूँ मैं बहुत आराम से पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। कोई बर्डन नहीं लेना है माइंड में, किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत इजी वे में आपको सिंथेसिस आ जाएगी। मान लिया कभी आप जैसे आज की वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई या आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत हुई, फिलहाल ऐसी होगी नहीं, लेकिन मान लिया होती है, तो आपको कॉमेंट में उसको लिख देना है, तो अगले दिन हम उसको डिस्कस कर लेंगे। कल बहुत बच्चों ने प्रोत्साहित किया हमें और बहुत अच्छा लगा, जैसा कि उन्होंने बताया कि सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो बताओगे आप, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने जाना केवल सिंथेसिस के बारे में कि सिंथेसिस होता क्या है, ठीक है ना। आज हम सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज लेंगे, ठीक, किसको यदि पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ा जाए, क्या वे होगा पढ़ने का, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस, जो बच्चे 11th के हैं और जो बच्चे 12th के हैं यूपी बोर्ड के, ये दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो दोनों बच्चे घर में पढ़ें। हम बाद में जब मिलेंगे आपसे ऑफलाइन, तो हम आपकी कॉपी डायरेक्ट चेक करेंगे, ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके कॉपी में पूरी चीज डिटेल्ड में, ठीक है ना। चलो तो बेटा, सिंथेसिस को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ इसके शब्द होते हैं जो बाद में हमको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है ना, और उसको बिना जाने आप सिंथेसिस नहीं सीख पाओगे, ठीक है, मेरी बात समझो। तो इसलिए उन टर्म्स को आज पहले समझ लेते हैं। तो कल जो आप सिंथेसिस के बारे में जाने, तो उसको किनारे कर दीजिए चुपचाप, ठीक है ना, बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, किनारे कर दीजिए, भूलिए नहीं, बस किनारे कर दीजिए, उसकी आज डिस्कशन नहीं करेंगे हम। आज से हम सिंथेसिस के कुछ टर्म्स को सीखेंगे, कुछ शब्दों को सीखेंगे, ठीक है ना, जिससे सिंथेसिस आगे हम बना पाए, ठीक है, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, या फिर सही से चीजें आएंगी नहीं। तो डिटेल में चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। तो बेटा, सिंथेसिस को समझने के लिए हमको करना क्या है कि हम पढ़ेंगे वर्ब्स को। वर्ब्स के कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना, वर्ब्स में कुछ यूजेस हैं, वर्ब्स के कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद फिर हम सिंथेसिस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज सिंथेसिस पढ़ने के लिए हम एक अलग टॉपिक में चल रहे हैं, जिसका नाम है वर्ब, क्रिया। चलिए देखिए, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वर्ब, वर्ब, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वर्ब क्या होती है या क्रिया क्या होती है? बेटा, इंग्लिश में एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक मेन वर्ब होती है, क्लियर बात की नहीं? एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, दो वर्ब्स आप मेन मान के चलते हो, ठीक है ना। तो यहां पर वर्ब की जो डेफिनेशन दी जाती है अच्छी सी, पहले तो भाई हम लोग को टीचर लोग पढ़ाते थे, मैम लोग पढ़ाते थे कि जहां पर क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं, ठीक ना। लेकिन वर्ब की डिटेल्ड यदि डेफिनेशन दी जाए तो एक्शन, बीइंग एंड पजेशन आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिए, एक्शन, बीइंग, पजेशन आर कॉल्ड वर्ब, लिख लिया। चलिए तो अब देखते हैं, तो ये वर्ब होती कितने प्रकार की है? बेटा, ये क्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहले को बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब, क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और दूसरे को बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। अभी लिखिएगा नहीं, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको अलग से, वीडियो को पॉज वगैरह नहीं करना है, बस सामने रखे रहिए मोबाइल और कुछ नहीं करना है आपको, बस कॉपी किताब लेकर के ऐसे ही पढ़े जैसे क्लास में पढ़ते हैं।
तो वर्ब के दो पार्ट हुए, पहला है फाइनाइट, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब जो होती है ये क्या होती है, पहले इसको जान लेते हैं, फिर नॉन फाइनाइट। भाई पहले हमने वर्ब पढ़ लिया, वर्ब क्या होती है, एक्शन बीइंग पजेसेस आर कॉल्ड वर्ब। इसके दो पार्ट हैं, पहला है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहले ये जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही है, ठीक है, फिर उसके बाद जाएंगे नॉन फाइनाइट्स क्या होती है, तो सब कुछ समझेंगे। लेकिन पहले इनके सारे प्रकार को मैं भी लिख लेते हैं एक चार्ट बना करके, फिर बाद में एक एक करके सारी चीज समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट, ये वर्ब के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, दो पार्ट। पहला क्या है, फाइनाइट क्या है बोलो, तो फाइनाइट बोलिए, मैं बोल रहा हूं बोलेंगे तो बोलिए। पहला क्या है, फाइनाइट। दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट। दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट। बेटा फाइनाइट वर्ब जो है इसके कुछ पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं एक सेकंड देखते हैं हम लोग। सबसे पहले को बोलते हैं हम लोग ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब कोई लिखेगा नहीं। दूसरे को बोलते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। सब क्या होता है सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज बस ध्यान से देखते रहो। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांसिटिव वर्ब, तीसरा है बेटा ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब, और चौथा है बेटा लिंकिंग वर्ब। ये पार्ट्स हैं लिंकिंग वर्ब। लाइट चली गई है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हो सकता है डिम हो गई हो लाइट, कोई बात नहीं। तो देखिए पहला क्या है, फाइनाइट वर्ब, दूसरी क्या है नॉन फाइनाइट। फाइनाइट के कितने पार्ट, चार पार्ट्स, कौन कौन से, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी। कौन कौन से बेटा, ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। ये किसके पार्ट है, फाइनाइट के पार्ट है। अब आइए देखते हैं और अंदर में, ट्रांसिटिव इनट्रांसिटिव के कोई पार्ट नहीं होते हैं, ये क्या होती है मैं बताऊंगा। ऑक्सिलरी बेटा, ऑक्सिलरी देख लीजिए, ऑक्सिलरी में पार्ट्स होते हैं कुछ। पहले को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, पहले को बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है ना। दूसरी जो होती है उसको बोलते हैं मूडल ऑक्सिलरी, मूडल, ठीक है ना, प्राइमरी मूडल। और तीसरी होती है मार्जिनल ऑक्सिलरी, ठीक है ना। अब बेटा प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी के तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट, कितने पार्ट, तीन पार्ट, ठीक है ना। प्राइमरी के तीन पार्ट होते हैं, पहले को बोलते हैं बी, दूसरे को बोलते हैं हैव, और तीसरे को बोलते हैं डू। देख लीजिए आप, ठीक है ना। अब बी के कितने पार्ट हैं, परेशान मत हो, घबराओ नहीं, बढ़ रहा अभी, एक एक चीज रट जाएगी आपको, डोंट वरी, हो मेरी जिम्मेदारी है। बी को बोलते हैं बेटा इज, एम, आर, वॉज और वर, ये होते हैं बी, इनको बोलते हैं वर्ब बी, ठीक है। किसके पार्ट है, बी के पार्ट है। बी किसका पार्ट है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का पार्ट है। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, ऑक्सिलरी का पार्ट है। ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, फाइनाइट का पार्ट है। फाइनाइट किसका पार्ट है, वर्ब का पार्ट है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो बी हो गया इज, एम, आर, वॉज, वर। हैव में क्या आता है, हैव में आता हैज, हैव और हैड, तीन, ठीक है। डू में क्या आता है, डू में तीन आता है, डू, डज और डिड, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया प्राइमरी ऑक्सिलरी कंप्लीट।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मूडल ऑक्सिलरी। ये क्या होता है भैया, तो देख लो इसमें क्या क्या आता है। मूडल्स में आता है, ये मूडल्स के हैं पार्ट, ठीक ना। क्या क्या आता है इसमें, आता है विल, वुड, शैल, अगला जानते ही हो क्या, वही शुड, फिर क्या मी, फिर क्या आएगा बोलो तो, हाँ माइट, फिर क्या आएगा कैन, फिर बोलो कैन का, उसको सुनाई दे रहा है, गुड गुड, ठीक है। तो ये हो गए किसके पार्ट, मूडल ऑक्सिलरी के पार्ट, ठीक है। इसके बाद लास्ट है बेटा जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल में आता है नीड, देयर, ठीक है ना, यूज्ड टू, तो ये इसमें आ जाता है। क्लियर हुई बात कि नहीं, तो ये देख लीजिए, ये हमने भाग चेंज किया है, बदला है अलग अलग वर्ब्स को पार्ट्स में, तो वर्ब के कितने पार्ट, कितने पार्ट आप रिपीट करोगे, वर्ब के कितने पार्ट, दो पार्ट, कौन कौन से फिर से बोलो, गुड, फाइनाइट के कितने पार्ट, कौन कौन से, पहला बोलो, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑक्सिलरी के कितने पार्ट, कौन कौन से, गुड वेरी गुड, प्राइमरी के कितने पार्ट है बेटा, कौन कौन से, गुड, बी हैव डू, बी के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से, इज एम आर वॉज वर, हैव के कौन कौन से, गुड, डू के कितने पार्ट हैं, वेरी गुड, डू डिड डस। अब इसके बाद देखिए मूडल ऑक्सिलरी में विल का क्या होगा, वुड होगा, शैल का क्या होगा, शुड होगा, मे का क्या होगा, माइट होगा, कैन का क्या होगा, गुड होगा। आई बात समझ में, तो ये हो गया मार्जिनल मूडल ऑक्सिलरी। अब मार्जिनल में नीड, डेयर और यूज टू होते हैं। अब इसके बाद आएंगे हम लोग पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब्स। तो लिंकिंग, लिंकिंग में क्या क्या आता है, लिंकिंग में आता है इज, एम, आर, वॉज और वर। बेटा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है यहां पे, ठीक है ना, किस चीज में कंफ्यूजन हो सकती है मैं पहले ही बता देता हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी में भी इज एम आर वॉज वर है और लिंकिंग वर्ब्स में भी इज एम आर वॉज वर है। आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, तो लिंकिंग में भी इज एम आर वॉज वर है, क्लियर हुई बात कि नहीं, और प्राइमरी के बी में भी इज एम आर वॉज वर है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में, मुझको याद है, मुझको बताना है, मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम वर्ब्स पे कंसंट्रेट करते हैं अदरवाइज भूल जाएंगे। क्लियर बात कि नहीं, तो ये था वर्ब का एक पार्ट, फाइनाइट वर्ब। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा इसके रिगार्डिंग, तो आप तब तक मैं आपको देता हूं केवल केवल एक मिनट का टाइम और तुरंत आप तुरंत के तुरंत इसको लिख डालिए। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, पूरा लिख लीजिए जल्दी से। अभी मैं आपसे इनको लिख लीजिए और इनसे मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे, अभी के अभी पूछूंगा, ठीक है ना, और आप जवाब दोगे, जोर जोर से जवाब दोगे, थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा, जल्दी से लिख लीजिए, एक रफ कॉपी में लिख लिया करिए, बाद में उसको फेयर किया करिए, ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखना होता है ना, अदरवाइज वीडियो आपकी लंबी होती जाएगी। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है,
लिख लिया, चलिए लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया है तो लिखिए, लिखते रहिएगा। अभी चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना, मैं सामने नहीं आता हूँ, ठीक है, और आप जो है डायरेक्ट चार्ट देखिए और आंसर देखिए। देखिए जैसे मैं पूछा कि बताओ इस किसका पार्ट है, तो आप किसका बताओगे, बी का पार्ट, क्लियर, कितना बताना है, बी का पार्ट। मैंने पूछा बी किसका पार्ट है, तो बताओगे प्राइमरी ऑक्सिलरी का पार्ट है। मैं पूछूंगा प्राइमरी ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, तो आप बताओगे ऑक्सिलरी का पार्ट है। मैं पूछूंगा ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, आप बताओगे फाइनाइट का पार्ट है। फाइनाइट किसका पार्ट है, वर्ब का। मैं पूछूंगा वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की, कौन कौन सी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। मैंने अचानक से पूछ लिया लिंकिंग में कौन कौन सी वर्ब आती है, तो इज एम आर वाज वर आती है, ठीक ना। मैंने पूछ लिया डेयर किसका पार्ट है, तो मार्जिनल ऑक्सिलरी का पार्ट है। मार्जिनल ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, ऑक्सिलरी का पार्ट। ऑक्सिलरी के कितने पार्ट होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी मोडल। तो ऐसे बताना है, ठीक ना, मन में रिपीट करना है। क्विक आंसर देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, क्वेश्चन तुरंत है, आपको तुरंत आंसर देना है, जितना तेज क्वेश्चन उतना तेज आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, बताइए मूडल ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, ऑक्सिलरी किसका पार्ट है, फाइनाइट वर्ब किसका पार्ट है, वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, अच्छा डू किसका पार्ट है, डू किसका पार्ट है, हैव किसका पार्ट है, अच्छा बता दो कैन का पास्ट, यानी कैन किस में आती है, वर्ब में, कैन किस वर्ब में आती है, गुड। मूडल किसका पार्ट है, अच्छा फाइनाइट के कितने भाग होते हैं, फाइनाइट के कितने भाग होते हैं, गुड। लिंकिंग के कितने पार्ट हैं बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बता दो वर्ब के कितने पार्ट हैं, कौन कौन से, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। क्या आप आंसर दे रहे थे, अगर आंसर दे रहे थे तो क्लैप फॉर यू, ठीक ना, लेकिन आंसर नहीं दे रहे थे तो बहुत गंदी बात है, ठीक है ना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप उसका अगर फल नहीं देते हैं तो ये बहुत गंदी बात है। चलिए क्लियर हुई बात कि नहीं, तो ये बेटा आपको रटा हुआ होना चाहिए, अगर आप सिंथेसिस ढंग से सीखना चाहते हो, यदि सिंथेसिस चाहते हो कि यूं आ जाए आपको, तो आपको ये रटा हुआ होना चाहिए बेटा, ठीक ना, ये चीजें जहन में बैठा लो अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी जब हम आगे सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये उन्हीं बच्चों को समझ में आने वाला है जिनके टर्म्स क्लियर हैं ये छोटे छोटे, क्योंकि वहां पर मैं नहीं बताने वाला हूं फाइनाइट क्या होती है, ट्रांसटिव क्या होती है, इंट्रांसटिव क्या होती है, क्लियर हुई बात कि नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं नॉन फाइनाइट के पार्ट्स, नॉन फाइनाइट्स के पार्ट्स, ठीक है ना, चलो देखो नॉन फाइनाइट, चलिए तो नॉन फाइनाइट देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट में आता है बेटा तीन, पहले को बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पी ए आर टी आई सी आई पी एल ई, दूसरे को बोलते हैं इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आई एन एफ आई एन आई टी आई ई इन्फिनिटिव, और लास्ट वाले को बोलते हैं हम लोग जीरंड। अच्छा एक बात बताओ मुझे, गो का हिंदी मीनिंग क्या होता है, कम का क्या होता है, ईट का क्या होता है हिंदी मीनिंग, इन सब की हिंदी मीनिंग कमेंट में आप लिखिएगा, ठीक है ना, मैं अभी आंसर नहीं बताऊंगा। हाँ ये 100% वादा करता हूं कि जो मीनिंग बताओगे वो सब के सब गलत बताने वाले हो, कमेंट में बता दूंगा सही है कि गलत है, ठीक है ना, लेकिन क्या सही होगी ये बताऊंगा मैं आगे, कब बताऊंगा याद रखना, जब मैं पढ़ाऊंगा इन्फिनिटिव या जीरंड तब पढ़ाऊंगा, आपको इसकी मीनिंग तो नहीं आती, आपको पता है, आप सोच रहे हो मुझको आ रही होगी इसकी मीनिंग, ना आपको गो की मीनिंग आती है, ना आपको कम की मीनिंग आती है, ना आपको ईट की मीनिंग, प्रॉमिस करता हूं प्रॉमिस, ठीक है ना, बहुत कम बच्चे होंगे जिनको इसकी मीनिंग आती होगी, तो आज दिखाओ मुझे कि आपको आती है कि नहीं, ठीक ना, कहीं सर्च नहीं करना है, चुप मार के आप, मैंने पूछा वही कमेंट कर दो, क्लियर हुई बात कि नहीं, और मैं देखता हूं कितने बच्चों को आती है, और बताते रहिएगा क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे इन्फिनिटिव जीरंड में, अभी नहीं, अभी केवल इतना जान लो कि नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट्स होते हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड, ये तीन पार्ट होते हैं, क्लियर हुई बात कि नहीं। तो अब क्या, अब हम एक एक करके बेटा सब कुछ डिटेल्ड करेंगे,
तो मैंने बता दिया वर्ब क्या होती है। अब मैं बताने वाला हूं कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फिर मैं बताऊंगा ट्रांसिटिव क्या होती है, इंट्रांसिटिव क्या होती है, ऑक्सिलरी, लिंकिंग सब बताऊंगा, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जेरंड, और तब स्टार्ट करेंगे। इतना पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या सिंथेसिस, तब देखिएगा कैसे आती है, ठीक है ना। टर्म्स है ना, इन सब चीजों को मिस कर देते हैं टीचर अक्सर और डायरेक्ट जो है आगे आ जाते हैं, लाइट आ गई, ठीक है, तो डायरेक्ट आगे पढ़ाने लग जाते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जरूरी टर्म्स होते हैं, इनको छोड़ना बहुत गलत है। बहुत लोग तो मैंने तो सुना है कि 3-4 सेंटेंसेस में खत्म कर देते हैं पूरे सिंथेसिस, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। फिलहाल चलिए देखिए, तो यहां पर आप हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग फाइनाइट वर्ब हेडिंग डालिए, फाइनाइट वर्ब डालिए, फाइनाइट वर्ब लिखिए। फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ड वर्ब Finite verb is a verb. Finite verb is a verb which comes in a sentence, which comes in a sentence, which comes in a sentence according to the number, person and gender, according to the number, person and gender of a subject. फिर से देख लीजिए, finite verb is a verb which comes in a sentence according to number, person or gender of a subject. ठीक ना, हिंदी में बोल दूं तो finite verb एक ऐसी verb होती है, अच्छा कैसी verb है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट डूअर कर्ता के, नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग आती है। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, डोंट वरी, मैं बताने वाला हूं अभी कि नंबर, पर्सन, जेंडर वगैरह क्या होता है, ठीक ना। पहले चीज को समझ लो कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो किसी भी सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट के, नंबर, पर्सन और जेंडर के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तुरंत कमेंट में लिखिएगा फाइनाइट वर्ब क्या होती है। चलिए देखिए, अब मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे बोल रहा हूं। मैंने बोला कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो आती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में क्या क्या, जेंडर, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको बोल देते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के, जेंडर, पर्सन, नंबर के अकॉर्डिंग आती है। एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए, राम ईट्स मैंगो, मैंगो, राम मैंगो खाता है, राम ईट्स मैंगो। दूसरा लिखिए, मैं आम खाता हूं, आई ईट ईट मैंगो, ठीक है ना, लिख लिया। अगला लिखिए, वह आम खाता है, ही ईट्स मैंगो। आपको लास्ट सेंटेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कट तो नहीं गया, इधर लिख लेते हैं, ही ईट्स मैंगो। अब चलो देखो बेटा, एक बात बताओ मुझे, यहां पे अगर इन दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो इन दोनों सेंटेंस में क्या क्या बराबर है, क्या क्या बराबर है। पहली चीज बोलोगे सर मैंगो मैंगो बराबर है, बिल्कुल सही बात है, मैंगो मैंगो बराबर है। अंतर क्या है सर, इसमें ईट्स लगा है, इसमें ईट लगा है, तो ये वर्ब हो गई कि नहीं पहले बताइए, ये वर्ब क्रिया है कि नहीं, खाना क्रिया है कि नहीं, पहले इसको समझो, क्रिया है ना, आप समझ रहे हो, खाना, गाना, हंसना, बोलना, रोना, ठीक ना, कोरोना, अरे नहीं, खाना गाना, तो ये क्या हो गया, ईट और ईट्स, ये दो है ना, ये वर्ब्स हैं, क्या है, वर्ब्स, क्रिया है,
ठीक है ना। अच्छा ये आई किसके अकॉर्डिंग है? सर ये वाली आई है राम के अकॉर्डिंग और ये आई है आई के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखो बेटा ध्यान समझना, यहां पे राम है इसलिए इसकी जो वर्ब है वो है ईट्स, इसमें एस लगा हुआ है। यहां पे राम है इसलिए यहां पे इसकी वर्ब क्या है? ईट्स है। सेम टू सेम दूसरा सेंटेंस है जिसमें आई है तो इसमें ईट है, देखो ईट्स नहीं लगा है, यानी कि ये जो वर्ब है ना ये अपने सब्जेक्ट को देख करके चेंज हो रही है, ठीक है। तो जो जो वर्ब अपने सब्जेक्ट को देख करके चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, यानी वह सब्जेक्ट वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के जेंडर पर्सन नंबर के साथ अकॉर्डिंग क्या होती रहती हैं? चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। जैसे यहां पे देख लो ही है तो ही के अकॉर्डिंग फिर क्या लग गया? इट्स लग गया। अभी यू लिख जाता तो क्या लग जाता? ईट लग जाता। यानी ये वर्ब चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग? तो जो अब सिंपल सी भाषा हम समझ लो, जो अब अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? उनको क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब के चार एग्जांपल आप अपने कॉपी में एब्सेंस बना के लिखेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। विल, शेयर, वुड, देखो आई के साथ क्या लगता है? वो तो मूडल में चला जाएगा फिलहाल, लेकिन तब भी फाइनाइट है। देखो जैसे आई के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। दे के साथ क्या लगता है? विल लगता है। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज हो रही है ना, जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनाइट वर्ब। यानी वह वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बार बार बदलती रहे, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहे, इन वर्ब्स को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन, एक बात बताओ मुझे, विल किसका पार्ट है? मूडल ऑक्सिलरी किसका पार्ट है? ऑक्सिलरी वर्ब किसका पार्ट है? फाइनाइट किसका पार्ट है? फाइनाइट के कितने पार्ट होते हैं? गुड, आई होप आप अच्छा दे रहे होंगे आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम कल पढ़ेंगे यहां से। फाइनाइट हमने पढ़ लिया ना, अब हम कल पढ़ाएंगे आपको ट्रांसटिव क्या होती है, फिर इंट्रांसटिव क्या होती है, फिर ऑक्सिलरी क्या होती है, फिर लिंकिंग क्या होती है, फिर पढ़ेंगे हम लोग नॉन फाइनाइट, फिर पार्टिसिपल क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, जेरंड क्या होता है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सिंथेसिस। क्या स्टार्ट करेंगे? सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, बहुत डिटेल में देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा मेहनत करते रहो मेरे साथ और श्योर आ जाएगा, ठीक है ना। लास्ट एक और बात बताना चाहता हूँ, देखो बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये सब करने में, वीडियोज बनाने में, स्पेशली आना पड़ता है इंस्टीट्यूट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद पूरी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, फैन नहीं चलाना होता, अगर फैन चलाएंगे तो वॉइस हमारी क्लियर नहीं आएगी, फैन खींच लेगा जो है हमारा माइक, तो फैन नहीं चलाना होता, पसीने पसीने हो जाते हैं, लेकिन पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज बेटा, जब इतनी हम मेहनत कर रहे हैं तो इस नॉलेज को स्प्रेड करिए आप, ठीक है ना। कोई भी कोचिंग का बच्चा हो, कोई भी स्कूल का बच्चा हो, आपके यदि क्लासमेट हैं तो सबको बताओ, सबसे शेयर करो, सब घर बैठ के पढ़ें, जो नहीं कल की वीडियो देखे पहले उनको पहले शेयर करो, फिर दूसरे शेयर करो, और वो कहो हमसे इंटरेक्ट हो, हमसे मिलें, अपना नाम बताएं, कोई इशू नहीं है किसी भी स्कूल के, क्योंकि इस समय कोरोना है, सब बच्चे बेचारे घर पे बैठे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाएं, स्कूल में ऑनलाइन स्टडी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कुछ भी ढंग से नहीं पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो क्या है कि यहाँ पर मैं आपसे डायरेक्ट मिल रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, मेरा काम है यहां पे आकर के मेहनत करके आपको डिटेल पढ़ा देना, आपका काम ये वीडियो मैक्सिमम स्प्रेड करना, अपने सारे फ्रेंड्स से बताओ, सारे सर्कल में बताओ, हर जगह, ठीक ना, अपने स्टेटस में इस चीज को लगाओ, ठीक है, कि लोग आकर के पढ़े, तो जो बच्चे घर पे बैठ बोर हो रहे हैं वो भी क्या करने लग जाएंगे? पढ़ाई करने लग जाएंगे, ठीक ना। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल हम ट्रांसटिव वर्ब के साथ। थैंक यू वेरी मच, पूरी वर्ब रट डालिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।